सिर्फ आखिरत के लिए हमारा पीछे, अगर दुनियावी मामला की बात आ जाए तो हम साल दो साल पहले तैयारी कर लेते हैं। अगर हमारे बेटा की शादी है, बेटी की शादी है, तो दो साल पहले से तैयारी करते हैं, एक एक चीज चुन चुन करके खरीद करके लाते हैं। कहीं पर अगर हमें सफर करना है, हैदराबाद जाना है, बम्बई जाना है, तो चार महीना पहले ही टिकट निकाल लेते हैं, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करते कि नहीं तैयारी करते, हर चीज़ के लिए तैयारी करते। अगर हम और आप तैयारी नहीं करते तो अपनी आखिरत के लिए तैयारी नहीं करते। हम और आप अगर तैयारी नहीं करते तो अपनी कब्र के लिए तैयारी नहीं करते। हम अपने घरों के अंदर बिजली का इंतजाम कर लेते हैं, अगर करंट वाला करंट कट करके चला जाए, हमारे घर के अंदर अंधेरा हो, तो हम एक से दो मिनट के अंदर अपने घर के अंधेरेपन को उजाले में बदल लेते हैं, दूर कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि कब्र के अंदर भी तो अंधेरा है, आप अपने कब्र के अंधेरे को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? सिर्फ आरजू और उम्मीद पर हम आखिरत के लिए जीते, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए हमारा तैयारी करते हैं, पर आखिरत की जब बात आ जाती है, जरा गौर से सुनिए मेरे दोस्तों, मैं जो पैगाम दे रहा हूं, जब आखिरत की बात आ जाती है, जब जन्नत में जाने की बात आ जाती है, जब जहन्नम से बचने की बात आ जाती है, जब अल्लाह को राजी करने की बात आ जाती है, तो हम और आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। क्या तू मेरे साथ कब्र में आएगा? वहां पर मैं हूं, देख लूंगा, मेरा पीर देख लेगा। लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा पीर देख लेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब वहां पर फरिश्तों का डंडा पड़ेगा तब पता चलेगा। हम और आप दुनिया के लिए ऐसा नहीं कहते, कहीं गांव जाना है तो ये नहीं बोलते कि जो होगा देखा जाएगा, कहीं हमको हमारे बच्चे की शादी करना है तो हम ये नहीं कहते कि जो होगा देखा जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। अब कोई इंसान मजदूर है, मेहनत करने वाला है, अब वही इंसान अगर घर के अंदर बैठ जाए और बोले कि अपने बीवी बच्चों से कि आज का दिन मैं काम के लिए नहीं जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, अपने आप मेरा पेट भर जाएगा, तो ऐसा होगा? पूरे बीवी बच्चे मिल करके उसे मारेंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, बेवकूफ हो गया है, ये पागल है जो ऐसा बोल रहा है। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, जब उम्मीद से और आरजू से दुनिया के अंदर हमारा पेट नहीं भर सकता है, तो आखिरत के अंदर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? और जो लोग आरजू और उम्मीद पर जीते ना, ऐसे लोग बेवकूफ है और कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग बेवकूफ है। एक अंसारी साहबी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो है आते और सवाल करते हैं, कौन सा मोमिन चालाक है? अब आप चालाक है या नहीं है, फैसला आपके हाथ में। आप 2023 में चालाक थे, बेवकूफ थे, आपके हाथ में। 2024 में आप चालाक रहेंगे, बेवकूफ रहेंगे, आपके हाथ में। फैसला कर लीजिए। कि सवाल हुआ कि चालाक मोमिन कौन है, चालाक मुसलमान कौन है, चालाक इंसान कौन है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो निशानी बतलाई, फरमाया कि अक्सरहुम लिलमौत ज़िक्रा वहसानहुम लिमा बादहु इस्तेदादन उलाइकल अकियास, कि वो मुसलमान चालाक है जो मौत को ज्यादा याद रखे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करे।